सभी दोस्तों को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपसे एक बेस्ट इंडोर आउटडोर प्लांट सिंगोनियम की केयर के बारे में बात करूंगा कि कैसे इस प्लांट को जो है हम केयर करें। इसकी पत्तियों की बनावट के कारण ही इस प्लांट को जो है एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। पर्सनली दोस्तों मेरा ये है ये फेवरेट प्लांट है। ये प्लांट जो है इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है। मेरे पास सिंगोनियम के जो है 5 प्लांट्स हैं और काफ़ी अलग अलग शेड्स में जो है ये प्लांट आता है। इस प्लांट की जो है लीव्स की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूनिक होती है। घर में लगा हुआ ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा लगता है और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये प्लांट जो है बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। हम इस प्लांट को इंडोर आउटडोर या ब्राइट लाइट कहीं भी किसी भी लोकेशन में रख दें वहाँ ये प्लांट जो है आसानी से चल जाता है। नर्सरी पर ये प्लांट जो है आसानी से 25-30 रुपए की कॉस्ट स्टार्टिंग में ये प्लांट बहुत ही आसानी से जो हमें मिल जाता है। सॉइल मिक्सचर की बात करें दोस्तों, जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं तो बिल्कुल ही वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर में लगाएं, जिसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर ना रहे। जब भी हम पानी दें तो पानी जितना प्लांट को चाहिए बाकी ड्रेन आउट हो जाए। सॉइल मिक्सचर जब भी आप बनाएं दोस्तों, उसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, या उसकी जगह आप रेत की जगह आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा सॉइल मिक्सर बनाएंगे तो उसमें पानी जो है आपका बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा और जो आपका प्लांट है बहुत ही खूबसूरत रहेगा। मेरे पास दोस्तों सिंगोनियम प्लांट की ये देसी वाली वैरायटी है और मेरे पास इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी है, जिसमें जो पत्ते हैं बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं और इनकी फॉर्मेशन जो है दोस्तों बहुत ही कमाल की होती है। बहुत ही खूबसूरत ये छोटे छोटे पत्ते लगते हैं। सनलाइट की बात करूं दोस्तों तो इस प्लांट को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर यदि आप इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो वहां रखें जहां पर रोशनी इस प्लांट को है बहुत ही अच्छी मिले। यदि आप इस प्लांट को आउटडोर ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर रखें जहां इस प्लांट को सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिले, दोपहर की धूप जो है इस प्लांट को बिल्कुल भी ना मिले। ऐसे में आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और एक बात और, इस प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगाते हैं उसमें भी प्लांट दोस्तों बहुत ही आसानी से चलता है और काफ़ी लंबे समय तक उसमें टिका रहता है। फर्टिलाइजर की बात करूं दोस्तों, आप इस प्लांट को है 1.5 या 2 महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो आप खाद इसे दे सकते हैं। मेरे प्लांट्स में दोस्तों अपने सभी इंडोर आउटडोर प्लांट्स के ऊपर है गोबर की खाद ही देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गोबर की खाद देने से दोस्तों फायदा ये होता है, एक तो इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा दोस्तों ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया रखता है। उसके अलावा दोस्तों आप इस पर प्लांट के ऊपर एनपीके का भी 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं महीने में एक बार। मैं अपने सभी इंडोर प्लांट्स के ऊपर एनपीके का स्प्रे करता हूँ, जिससे प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। उनके प्लांट्स में जो ग्रीनरी है वो बनी रहती है। एनपीके का स्प्रे करने के लिए दोस्तों 2 लीटर पानी में आप 1 चम्मच उसे आप डिजोल्व कर लीजिए और अपने सभी आउटडोर इंडोर प्लांट्स पर महीने में एक बार जो है स्प्रे जरूर करें। गर्मियों का सीजन जो होता है, इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन होता है, गर्मियों में बहुत तेजी से प्लांट जो है ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही विंटर आती है ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तब विंटर में इस प्लांट को है पानी आप बहुत ही कम दें और ज़्यादा विंटर में आप ध्यान रखें ताकि इसे ठंडी हवा जो है वो बिल्कुल भी ना लगे। इंसेक्ट्स की बात करूं दोस्तों, इस प्लांट पर जो है स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है। वो दोस्तों आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको खाना शुरू कर देता है। ये देखिए दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों जब भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम सिंगोनियम प्लांट में आए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। मैं इसी नीम ऑयल का दोस्तों स्प्रे करता हूं अपने सभी प्लांट्स पर। ये आप 2 ml दोस्तों 1 लीटर पानी में डालकर अपने सभी प्लांट्स पर जो है स्प्रे करें। प्रोपोगेशन की बात करें दोस्तों, इस प्लांट को बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। छोटी से छोटी कटिंग भी दोस्तों इस प्लांट की जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। जैसे दोस्तों मेरा ये प्लांट है, इस प्लांट की दोस्तों जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो इस प्लांट को यहाँ से एक प्लांट और यहाँ से दूसरा प्लांट, यानी एक प्लांट से मैं 2 प्लांट जो है आसानी से बना सकता हूँ। ऐसे ही दोस्तों ये प्लांट जो है मैं जब नर्सरी से लाया था तो ये प्लांट दोस्तों बहुत ही बुशी था, तो मैंने इस प्लांट में से जो है अपना एक ये प्लांट अलग कर लिया था जब मैं इसे रिपोर्ट कर रहा था।
अभी दोस्तों रिपोर्ट किए हुए मुझे 10 दिन ही हुए हैं। 10 दिन में देखिए इस प्लांट ने जो है अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही इजी टू केयर लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड शेड में आता है और अपनी लीव्स की फॉर्मेशन के कारण, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों के कारण ये प्लांट को जो हम लगाते हैं। आप भी दोस्तों इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर जगह दीजिए, अपने गार्डन में लगाइए और आपके गार्डन में लगा हुआ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इस सिंगोनियम प्लांट के बारे में। यदि आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।